शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 से. क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी. ये फिगर दी हुई है आपको बुक में. इसमें ए बी सी डी के पैरेलल है. एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री. ए पी क्यू इतना वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री है. एंड एंगल पी आर डी इज 127. और पी आर डी इतना एंगल ये 127 है. फाइंड एक्स एंड वाई. तो आपको x की और y की वैल्यू निकालनी है. ये जो एंगल्स बने हुए हैं x और y. तो देखिए गिवन लिख लेंगे पहले. तो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं आपको. एंगल ये 50 दिया है. ये एंगल आपको 127 दिया है. तो x की वैल्यू इसमें पहले निकालते हैं. देखिए पैरेलल लाइंस जब दी हुई होती हैं तो इसमें पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आपकी लग रही है. ये वाली लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है. और ये जो पी क्यू है ये एक ट्रांसवर्सल है. ये तो जब लाइन ट्रांसवर्सल होती है पैरेलल लाइन को काटती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो आपके बराबर होते हैं. इस केस में देखिए ये एंगल जो 50 है और ये जो एंगल x है ये आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ये आपका z जैसा बन जाता है. तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये बराबर होते हैं. तो x तो यहाँ से पता चल गया कि 50 डिग्री है. लेकिन इसको पहले एंगलों के नाम आपको लिखना पड़ेगा. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर. ये आपस में बराबर है. क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. और लाइंस पैरेलल हैं तभी बराबर होते हैं आपके. अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर बोले जाएंगे आपके. लेकिन तब ये आपके बराबर नहीं होते हैं. ठीक. अब इसकी वैल्यू लिखते हैं. देखिए ए पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री और पी क्यू आर आपका x. तो x ही तो निकालना है. तो x तो हमारे पास आ गया. देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो x की वैल्यू तो आ गई. और y निकालना है. और y के लिए अब लाइन पैरेलल ए बी सी डी आपकी पैरेलल लाइन है. इस बार मान लेते हैं कि ये जो पी आर है ये आपका ट्रांसवर्सल है. इसको लेते हैं. तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो आपका यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एंगल ये आपस में बराबर होगा. तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. तो इस बार लेंगे ए पी आर. नाउ एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी. और ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ए पी आर मिलके बनाए आपके 50 और y से. तो यहाँ पे इसको हम 50 प्लस y लिख लेंगे. और पी आर डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है 127. ये 127 डिग्री के बराबर है. तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 127 डिग्री में से. ये 50 इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा. और माइनस हो के वैल्यू आती है इसकी 77. इन्हें माइनस करेंगे 77 आ गया. ये आपके y की वैल्यू हो गई. बस ये दोनों आपके आंसर आ गए. इतना ही क्वेश्चन था ये. चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 6th. क्वेश्चन 6 बुक से रीड करते हैं. क्वेश्चन 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन फिगर 6.33, ये 6.33 फिगर जो आपको दी हुई है इसके अंदर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. ये पी क्यू और ये आर एस ये दो आईने हैं और ये आमने सामने पैरेलल रखे हुए हैं. एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी. एक रे है ए बी रे. ये पी क्यू मिरर को यहाँ पे टकराती है बी पॉइंट पे. देख रहे हैं आप ये जो ए बी है ये ऐसे आई और पी क्यू मिरर के ऊपर बी पॉइंट के ऊपर टकराई. द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी. और फिर रिफ्लेक्टेड जब कोई आईने के ऊपर कोई चीज़ पड़ती है कोई रोशनी पड़ती है तो वो वापस भी तो जाती है. उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो यहाँ आने के बाद बी से फिर ये बी सी की तरफ चली गई. एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी. और जो आर एस मिरर है इसको इसने सी पॉइंट पे स्ट्राइक किया.
एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और फिर यहाँ टकराने के बाद फिर से सी डी की तरफ चली गई, यहाँ टकराई फिर इस तरफ चली गई। तो प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो ए बी है और ये सी डी है, ये जो दो रेज हैं ये आपकी पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि यहाँ से एक रे आई, यहाँ टकराई, यहाँ से आके इस आईने पे टकराई और फिर यहाँ से ऐसे चली गई। तो इन दो लाइनों को आपको पैरेलल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखना। इसकी फिगरें मैंने बनाई हुई है। अब क्वेश्चन को करने के लिए इसमें आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये जो ए बी और सी एंगल बना हुआ है आपका, यानी कि बी पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है। मान लिया बी ई बना दिया, और इसी तरह से सी पॉइंट के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है। मैंने यहाँ पे सी एफ बना दिया, ये इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद इसमें कुछ एंगल्स का यूज़ होगा, उन एंगलों का नाम रख लेंगे। मैंने यहाँ पे वन रख लिया, ये टू रख लिया, ये थ्री रखा और ये फोर रखा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया, तो इसको कंस्ट्रक्शन को आप लैंग्वेज में लिख के दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे एट पॉइंट बी ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू बी क्यू, यही तो किया है। एंड फिर एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, सी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, ये तो है इसमें कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इन एंगल्स को मैंने तो लेट कर ही लिया है, फिगर के अंदर आप ऐसे पुट करेंगे और फिर अपना डायरेक्ट आप आंसर शुरू कर देंगे। देखिए एंगल वन और एंगल टू, इसमें ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब किसी आईने के ऊपर कोई रे पड़ती है और फिर वो वहाँ से टकरा के इस तरह से जाती है, तो ये जो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बनेगा ये इस पूरे एंगल को दो हिस्सों में बांट देगा। जैसे ये आईना है, यहाँ पे कोई रे पड़ी और यहाँ से टकरा के ऐसे चली गई, तो अब इस पॉइंट के ऊपर अगर हम बिल्कुल परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो ये इस पूरे एंगल को जो कि इन दो रे से मिलके बना है, एक आने वाली रे और एक जाने वाली रे, और यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर पड़ जाता है तो ये इस पूरे एंगल को इक्वल कर देता है, मतलब बाइसेक्ट कर देता है दो टुकड़ों में। इसे हम इस तरह से लिखते हैं, पहले तो लिखेंगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू यहां पे, और यहां पे लिखेंगे एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, और दोनों का रीजन लिखेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल से कोई चीज आईने पे पड़ती है उतने ही एंगल से वो चीज रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ चली जाती है, ये इस बात का मतलब है। ठीक है, वन और टू आपस में बराबर, थ्री और फोर आपस में बराबर, ये हमने लिख लिया। इन्हें मैं नंबर वन और टू लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं रही, ये आपका वन है, ये आपका टू है। अब एक चीज़ और देखिए आप फिगर में, हमने बी ई परपेंडिकुलर खींचा था पी क्यू के और सी एफ को परपेंडिकुलर किया था आर एस के, तो ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं, जब आमने सामने इस तरह से परपेंडिकुलर होती हैं तो वो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, यानी कि बी ई और एफ सी ये आपकी पैरेलल लाइंस हो गई। जब ये पैरेलल लाइंस हो गई तो फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके बराबर हो जाते हैं। मैंने भी बताया ना, पैरेलल लाइंस में आपका जेड जैसा बन जाता है,
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां ऐसे लिखेंगे, बिकॉज बी ई पैरेलल टू एफ सी देयर फोर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, और रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसे नंबर थ्री रखते हैं। अब देखिए वन टू और थ्री से आप क्या देखेंगे, वन टू के बराबर है, थ्री फोर के बराबर है, और टू और थ्री आपस में बराबर है। तो यहां से ये जो टू और थ्री है ये तो आपस में बराबर हो गए, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि वन और फोर भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि टू और थ्री आपस में ये दो इक्वेशन है, इसमें टू वन के बराबर, थ्री फोर के बराबर, और टू और थ्री आपस में बराबर, तो बाकी की जो दो चीजें हैं ये भी तो आपस में बराबर होंगी। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल गया, लिखेंगे फ्रॉम वन टू एंड थ्री हमें मिल गया कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर है, एंगल वन एंगल फोर के बराबर। अब यहां तक तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, इसके बाद जो करना है वो आपको अपनी तरफ से करना है। रिजल्ट लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को ट्वाइस कर देंगे, यानी इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस कर लिया, तो इसे बारी बारी से अलग से लिख लेंगे, एंगल वन प्लस एंगल वन, इसी तरह इसे लिख लेंगे एंगल फोर प्लस एंगल फोर। अब क्या करेंगे कि यहां पे वन तो वन है, लेकिन यहां वन की जगह पे ना हम टू लिख लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्यों देखिए हमारा एंगल वन एंगल टू के बराबर है ना, लिख सकते हैं हम ऐसा। यहां पे क्या करेंगे, एंगल फोर को तो एंगल फोर रख लेंगे, लेकिन एक एंगल फोर को, एक एंगल फोर को हम एंगल थ्री लिख लेंगे, क्योंकि फोर और थ्री बराबर है, यहां पर मैंने इसको थ्री लिख लिया, और रीजन में मैं यहां दे दूंगा कि फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू से रीजन, क्योंकि ऊपर ये क्यों है बराबर, क्यों लिखा है, ये वन और टू में हम दिखा चुके हैं ऊपर। ये क्यों किया हमने, क्योंकि वन और टू मिलके मेरा ये एंगल पूरा बन गया, डी सी बी पूरा एंगल बन गया, और थ्री और फोर से मिलके मेरा बन गया ए बी सी, तो एक कंप्लीट एंगल बन गया। और ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये बन रहे हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन सी दो साइडों में, कौन सी दो लाइनों के बीच, ए बी और सी डी के बीच। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो आपकी वो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। तो बस इतनी सी थी इसके बाद, तो यहां पे वन और टू को लिख देंगे डी सी बी, एंगल डी सी बी, और यहां पे फोर और थ्री को लिख देंगे ए बी सी, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब लिखेंगे बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये आपस में बराबर है, तो जिन दो लाइनों के बीच में ये बन रहे हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, तो देयर फोर ए बी पैरेलल टू सी डी, यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक करना, फ्रेंड्स में क्लासमेट्स में शेयर करना, और नाइन्थ क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।